सब एमएलए साहब लोग बैठे हैं, बैराराम जी बैठे हैं, पब्बराम जी बैठे हैं, ये अपने आप बता देंगे कि इनके यहाँ पे क्या स्थिति है। आपके वो कौन से ठेकेदार होते हैं, एफटी क्या, एफटीसी क्या होता है इनका? एक इनका कॉन्ट्रैक्ट है एफआरटी का कॉन्ट्रैक्टर होता है। एफआरटी का कॉन्ट्रैक्ट में इससे पहले सर एक दो कुछ हमारे बहुत सीरियस इश्यू, उनको पूछ लो। हमारे जो ओसिया विधानसभा क्षेत्र में जो घरेलू बिजली है वो उसकी कटौती कितने घंटे होती है, कोई बता सकते हैं? सर मैं निवेदन करूँ, जो ओसिया में ओसिया पूरे क्षेत्र में तीवरी मठाया में जो एलआरपी फीडर के नाम से हमने एलआरपी फीडर नहीं, कितने घंटे होती मुझे तो एक सिर्फ सिंपल सा आंसर दे दो ना कि इतने घंटे घरेलू आपकी कटौती होती है, इतना सा बता दो मुझे। सर उसमें अभी घरेलू में हम 3 से 4 घंटे ही कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैं खुद गांव में रहता हूं, टाणी में रहता हूं, और मेरे खुद के घर की लाइट 7-7 घंटे 8-8 घंटे से कटी हुई रहती है, और पूरे गांव और क्षेत्र और पूरे विधानसभा क्षेत्र में खुद घूमता हूं। इस बार ये पिछले माननीय मंत्री महोदय इतना बिजली को लेके हमें इतनी सुननी पड़ती है, हम फोन करके थक लिए हार लिए। आप जब भी घर में काम होगा, बहन बेटी घर में रोटी बनाने के लिए जाएगी, शाम को ठीक आप 7 या 8 बजे लाइट काटोगे, रात के 12 बजे तक काट के रखोगे। तो रात को 12 बजे से क्या कर लेंगे हम लोग लाइट का? आप ऐसा रात को 12 बजे के बचाए, यदि आप शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में दे दो, बहन बेटी रोटी भी बनाती है, खाना भी खाती, आप और हम ऐसा सब भुगत रहे। और सुबह सुबह जब घर में से बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे उस वक्त आप काटोगे और उसके बाद में आप लाइट दोगे। ये इतना उल्टा पुल्टा क्यों सिस्टम करते हैं? हमारे को घर में रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? हमारे को हमारी घरवाली घर से बाहर भगा देगी। सर मैं निवेदन करूं, ये पूरे स्टेट में जो पावर की शॉर्टेज थी पर उसी वजह से शाम को 8 से रात को 1 बजे तक शॉर्टेज रहती थी। और टाइमिंग, मैं टाइमिंग का बात कर रहा हूँ, जब बच्चे घर में आएंगे उस वक्त आप लाइट काटोगे, और जब बच्चों का सुबह जाने का टाइम होगा उस वक्त काटोगे, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सर रात के 12 बजे आप काट दो ना, ये क्या तकलीफ हो रही है? सर रोज हम नहीं काट सकते सर, रोज काटते भी रोज का रोज आप ये बोलते हैं एलडी मैसेज, ये घरेलू बिजली से हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। मैं आपको डिस्कॉम को, मैं पूरे को कह रहा हूँ, माननीय मंत्री महोदय जी पिछले 2 से 3 महीने में इन्होंने हालत खराब करके रखी हुई है, इतने तार ढीले पड़े हैं, सबसे ज्यादा आग ओशिया में लगी है ढीले तारों की वजह से, सबसे ज्यादा लोग मरते हैं ओशिया में मरते हैं, वो आपके तार ठीक नहीं है, उनको तार को ठीक करो। यदि सर जो जो प्रॉब्लम है वो यदि सर वहां आपके जीएसएस पे जाते हैं तो वहां ट्रांसफार्मर नहीं है। कृषि कनेक्शन की बात करें, आपने पोल दे दिया, बिजली के तार दे दिए, और वो बोलते हैं ट्रांसफार्मर यदि सर अभी है ही नहीं जी, वो ठेकेदार के पास है, तो आपने पोल क्यों दिए, आपने उसको तार क्यों दिया? उसकी इच्छा जागृत कर दी, मेरी तो ट्यूबवेल अभी स्टार्ट होने वाली है, अब तो मैं खेती कर लूंगा। वो बीज भी लाया, ट्रैक्टर भी लाया खेत में, उसने खड़ाई भी कर दी, और एंड टाइम पे आपने बोल दिया ये तो अभी तो ट्रांसफार्मर नहीं है, आपका नंबर आएगा तब देंगे। नंबर कब आएगा? वो नंबर के चक्कर में है ना, एन ऑफिस में चक्कर काट काट के बेचारे किसान को इतना परेशान करते हो आप।